हेलो किड्स, आज हम इंग्लिश रीडर में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नाउन यानी संज्ञा को अंडरलाइन करना है। दिस इज ए हट, यहाँ पर हट आपका नाउन है। ही इज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर नाउन है। देर इज़ ए पियोन, पियोन नाउन है। ही रिंग्स द बेल, बेल नाउन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैव फन, स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर नाउन है। मैच द कॉलिंग हैविंग अपोजिट वर्ड्स, पुअर का हो जाएगा आपका रिच, पुअर गरीब, रिच अमीर, ब्राइट तेज, और ब्राइट का यहाँ अपोजिट लिखा था डार्क जो कि रॉन्ग है, इसका होगा डिम, डी आई एम डिम। गो जाना, कम आना। हैप्पी खुश, और सैड होना मतलब उदास। तो ये थे अपोजिट वर्ड, इनको आपको मैच करना है। और राइट द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स, अब ए जो पिक्चर्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर ए फॉर आंट हो गया, यहाँ पर आंट हो गया, यहाँ पर हो गया बी फॉर बॉल हो गया, सी फॉर हो गया कैट, डी फॉर हो गया, यहाँ पर आप बस दिए लेकिन डी फॉर आप यहाँ पर बस का दरवाजा है, डोर लिख सकते हैं, डी ओ ओ आर डोर हो गया। राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन माई स्कूल पर लिखनी है। दिस इज़ माई स्कूल, मेरा स्कूल है। इट्स नेम इज़ किड्स केयर स्कूल। देर इज़ ए प्ले ग्राउंड, वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड। देर आर मैनी रूम्स इन आवर स्कूल। देर इज़ ए बिग लाइब्रेरी टू, वी स्टडी बुक्स देयर। देर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। तो ये आप कुछ लाइन्स थी स्कूल पर, माई स्कूल पर, ये आप राइट और लर्न कीजिए अपनी नोटबुक में। आप प्रोजेक्ट टाइम में टेक द बॉय टू द हिज स्कूल बाय कलरिंग द करेक्ट पार्ट। इस लड़के को अपने स्कूल जाना है तो आप इस पिक्चर को अपनी बुक में कोशिश कीजिए इसका रास्ता ढूंढने की स्कूल का। तो ये था आज आपका इंग्लिश। हिंदी में आज हम करेंगे गर्मी ऋतु के, पढ़ेंगे गर्मी की ऋतु आई। अब गर्मी की ऋतु चल रही है आजकल। रिचा कूलर चलाकर आराम कर रही थी। रिचा की दादी जी तरबूज खा रही थी। कृषक तरबूज उगाकर बाजार लाए। दादाजी भी घर आए, पानी पिया और तरबूज खाया। तो ये आपको इस लेसन की रीडिंग करनी है और यहाँ चित्र दिए हैं उनमें कलर करना है और इसके कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ऋतु गर्मी, रिचा कूलर तरबूज, कृषक बाजार, ग्रह पिया। तो ये थे कठिन शब्द, उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना। मैथ में करेंगे अप टू 50 तक हम नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 बॉक्स हैं, 10 लाइंस थी तो 10 हो गया। वैसे ही अब दो ऐसे दो लाइंस हो गई, यहाँ भी 10 लाइन है, यहाँ भी 10, तो 10 प्लस 20 अभी 3 बॉक्स की 10 तो कितना हो गया 30। तो 3 10 30 3 हो गया, तो 20 प्लस 10 30। ऐसे अब यहाँ पर 4 टेंस है, 1 2 3 4 में आपकी 10 लाइंस है तो बन गया 40। 4 टेंस मतलब यहाँ इसके ज़ीरो लग जाएगा तो 40, 30 प्लस 10 40 40। अब ऐसे 5 टेंस है, 1 2 3 4 5 आपके ये सर्कल इन हद में 10 लाइन है तो ये बना 41 2 4। तो यहाँ आपने 40 किया था, 40 प्लस 10, 40 में और 10 लीजिए तो ये बन गया 50 10 20 30 40 50। तो ऐसे ही राइट द शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पर इसका लिखना है। अब 10 प्लस 5 के क्या हो जाएगा 15, 30 प्लस 2 का 32, ऐसे ही 37। तो इसी तरीके से आपने इसका शॉर्ट फॉर्म करना है और इसका लॉन्ग फॉर्म करना है। अभी 28 है, 20 प्लस 8 18 सॉरी 10 प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 8 और यहाँ पर 20 प्लस 1। तो इसी तरीके से आपने बाकी भी करने हैं, एक्सरसाइज करनी है।
आपने EVS में पढ़ा था माय स्कूल, तो स्कूल्स में कितने रूम्स होते हैं आपको उनके अपने नोटबुक में नाम लिखने हैं। प्रिंसिपल्स रूम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर रूम, गेट कीपर, फर्स्ट एड रूम और रिसेप्शन। तो ये नाम अपने आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। प्रिंसिपल रूम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर रूम, गेटकीपर, फर्स्ट एड रूम, रिसेप्शन। ओके केयर किड्स, टेक केयर, गुड बाय।